हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आप सबका स्वागत है एक नए वीडियो में। दिस इज़ द वीडियो ऑफ आवर दी रूम टूर, दी हॉस्टल रूम टूर। इसमें मैं अपने पूरे रूम को दिखाने वाला हूँ। दो तीन क्वेश्चंस को मैं कवर करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन कि हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम दी एलन बिल्डिंग से कितना दूर है। सेकेंड वन इज़ कि हाउ मच आई पे फॉर दिस, कितना मैं इसके लिए पे करता हूँ। एंड थर्ड वन इज़ व्हाट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस, बिकॉज आप जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी का प्राइस हमें अलग देना पड़ता है, तो मैं कितना पे करता हूँ, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी प्राइस। ये सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर अप करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूँ अपने रूम टूर, फिर मैं क्वेश्चंस ये सारे बताता हूँ आपको। लेट्स स्टार्ट इट। दिस इज आवर रूम, दिस इज द 307 रूम। एंड यहाँ पे अपने चप्पल जूता सारी चीज़ रखता हूँ। दिस इज आवर डस्टबिन। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रूम में चलते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल करते हैं इसको क्लोज और वी स्टार्ट। यहाँ पे आते आते मैंने यहाँ पे अपना पूरा 1 to 20 एलिमेंट्स का नाम लिख रखा है, मेटल नॉन मेटल वेटिंग सब चीज़ यहाँ पे लिख रखा है। मतलब दो तीन बार मैं देख लेता हूँ तो रिमेंबर रहता है। यहाँ पे मेरे कुछ ऐसे ही लिख रखे हैं। ये बोर्ड है जहाँ पे मेरे बहुत सारे वीडियो आपने देखा होगा इसको, इसमें मैं अपना फिजिक्स का प्रैक्टिस और बहुत सारे क्वेश्चंस हुए जिसका मैं इजीली प्रैक्टिस कर पाता हूँ। जो नोटबुक पे करने से अच्छा इस पे करना ज़्यादा बेस्ट होता है। एंड दिस इज़ द बुक सेल वेयर वी टेकिंग दी ऑल द बुक। दिस ऑल आर द एलन मॉड्यूल्स और ये ऑलमोस्ट 20 to 23 है। एंड दिस इज़ आवर नोटबुक जो करेंटली हम लोग यूज़ कर रहे हैं लो। और यहाँ पे यूज्ड नोटबुक है जो ऑलरेडी फुल है, और इसके नीचे भी जो है वो यूज्ड नोटबुक है जो ऑलरेडी फुल है। इतना हम लोग यूज़ कर चुके हैं अभी तक 8 मंथ में, तो इससे भी जज कर लो बहुत बढ़ाता है यार एलन। दिस इज़ द एनसीईआरटी बुक। ऊपर वाला एनसीईआरटी बायो है जिसको मैंने फट गया था, तो उसको मैंने रिनोवेट करा लिया है। दिस ऑल द रॉक नोटबुक्स और व्यूज नोटबुक। ये है क्लास 10th का बुक्स जो मैं लेके आया था पढ़ने के लिए, बट आई कैनॉट स्टडी एट ऑल बिकॉज टाइम नहीं मिलता है इतना पढ़ने के लिए। ऑलरेडी आई हैव अ लॉट्स ऑफ थिंग टू स्टडी, तो आई कैनॉट टाइम्स टू स्टडी दिस वन, बट वेन आई गॉट अ टाइम्स आई डेफिनेटली स्टडी। एंड दिस वन इज द आवर मेजर टेस्ट पेपर। जितने मैंने मेजर अभी नहीं हुए, माइनर टेस्ट और कॉमन टेस्ट मैंने दिए हैं, वो सारे पेपर्स मैंने यहाँ पे रख रखा है। इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू प्रैक्टिस दिस ऑल थिंग्स, आई हैव ऑलरेडी दैट ऑल पेपर्स, तो इससे मैं इजिली अपना प्रैक्टिस कर सकता हूँ। एंड दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। बिहाइंड दिस इसके बगल में आपको मिल जाएगा और अलमीरा, वहाँ पे मैं अपना ड्रेस रखता हूँ। तो ये अलमीरा को ऊपर देख लो तो ऐसे ही कचरा हो रखा है, ठीक ना। यहाँ पर भी मैंने चिपका रखा है एनिमल टिश्यू का मैं एक चार्ट बना के यहाँ पे चिपका रखा हूँ। जो स्टार्टिंग में तो मैं डेली मॉर्निंग में देखता हूँ, ऐसे वीक में एक दो बार मैं इसको देख लेता हूँ, इससे रिमेंबर आती है ये सारी चीज़ें। ठीक, इसको खोलते हैं। दिस इज़ द अलमीरा और एक सन फ्लैश जला दूँ। हाँ, तो यहाँ पे मैं सारे वो मतलब स्टोर रूम जैसे सोच लो, यहाँ पे सारे जो मेरे को यूज़ में आते हैं इसको मैंने स्टोर कर रखा है। रिसेंटली घर गया था तो छत पूजा का प्रसाद और यहाँ पे मतलब घर से बहुत कुछ ले आऊँ खाने वाला, तो यहाँ पे हर एक चीज़ रखा हूँ। और ये अपना ड्रेस वाला एरिया हो गया, यहाँ पे मैंने अपना एलन का ड्रेस रखा है और बाकी नॉर्मल पहनने वाला ड्रेस है। ये ऊनी कपड़ा, 4 दिन पहले ही घर से आया तो सोचा लेते आते हूँ क्योंकि ठंडी स्टार्ट हो रहा है। ऊनी कपड़ा, चद्दर वद्दर। और ये अपना ट्रॉली हो गया, यहाँ पे मतलब मैंने पूरा अच्छा से अरेंज करके रखा हुआ है और स्पेशली फॉर वीडियो। ठीक, और इसके बाद अपना आता है यहाँ पे है पीरियोडिक टेबल। ओके, भगवान जी को यहाँ पे मैं चिपका रखा हूँ, डेली में पूजा करता हूँ। दिस इज़ आवर ड्रीम टू अचीव इन 2024 और डेफिनेटली मैं इसको अचीव कर पाऊँगा। AIR 1 का ये कुछ चैप्टर्स के नाम लिखे हैं जिसपे मेरे को ज़्यादा फोकस करना है करेंटली। ये अपना कुछ मोटिवेशनल थिंग्स लिख रखा हूँ फ्रंट ऑफ दी माई सेल्फ स्टडी टेबल। यहाँ पे टेबल को अगर देखा जाए तो ये मेरा हो गया पेन होल्डर और ये ऐसे ये जो है हम लोग मतलब 4 फ्रेंड है लोग, तो हम लोग चारों फ्रेंड ने मिलकर ऑनलाइन इसको मंगाया था, तो
सारे फ्रेंड एक एक लिए थे, एक मेरे पास भी आया था। तो एक मतलब गांव में हम लोग शुरू से रहे हैं, लोग अपने फ्रेंड्स के साथ अब सारे दूर जा रहे हैं, तो एक मतलब मेमोरी के लिए हमने रखा थी। ये टाइम इसका बहुत यूज़ आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस करने में भी इसको हम लोग यूज़ लेते हैं। तो डेफिनेटली ये सेकेंड वाला सुई का जनरली काम आता है मेरे को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसको इतना ही टाइम में करना ज़रूरी है। हेडफोन, डिस्चार्जर्स एंड वाटर बोतल। इसके बगल में देखो तो ये मेरा बेड हो गया, तकिया, बेड, चद्दर। ठीक, इसके ऊपर मैंने अगेन कुछ मोटिवेशनल पेज लगा रखे हैं, और दिस वन इज़ माय फेवरेट वन, बिकॉज यहाँ पे डॉक्टर और सारे सुपर हीरोज मतलब रिस्पेक्ट कर रहे हैं डॉक्टर्स का, बिकॉज डॉक्टर इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस सोसाइटी। तो दैट्स वे इट इज़ द वेरी 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 फेवरेट फॉर मी, वेरी वेरी क्लोज फॉर अस। और इसके बाद यहाँ पे अपना विंडो है, उसके ऊपर अपना एसी है। विंडो जो एक मतलब इसके बगल में दीवार ही है, काइंड ऑफ वेंटिलेटरल विंडो है। ठीक ना, ये कोई बाहर के एरिया के लिए मतलब विंडो उतना विंडो लाइक विंडो नहीं है, वेंटिलेटरल काइंड ऑफ विंडो है। तो ओवरऑल ऐसा रूम अपना दिखता है। ठीक, इसके बाद से बाथरूम इससे ही अटैच है अपना। ये अपना हो गया बाथरूम, लेते हैं ये अपना बाथरूम का। बाथरूम में दिखाने लग तो ज़्यादा कुछ है नहीं, शैम्पू वैम्पू यहाँ पे रखा हुआ है। दिस इज़ आवर मिरर। और बाथरूम यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे गीजर उजर लगा रख, मतलब सारे चीज़ मिले हैं यहाँ पे। तो हाँ, जो हॉस्टल है हर एक चीज़ से फुलफिल है। ओके, सो गाइज अब बात कर लेते हैं लोग पहले कि आपको रूम कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट डाउन बताना कि रूम आप लोगों को कैसा लगा। उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि प्राइस मैं कितना इसके लिए पे करता हूँ। तो प्राइस के लिए मैं बोलूँगा यार, मैं नहीं बता सकता ऐसे ऑनलाइन, बिकॉज कि हॉस्टल का भी प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम है। बट हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन आपको इंस्टाग्राम का आईडी मिल जाएगा, वहाँ पे आपको पर्सनली मैसेज करना, मैं सबको ए टू जेड प्राइस के बारे में बता दूंगा। लेकिन यहाँ पे नहीं, आप मैसेज कर लेना, मैं बता दूंगा। सेकेंड क्वेश्चन कि हाउ मच डिस्टेंस फ्रॉम दी एलन बिल्डिंग। तो 5 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से एलन, तो ज़्यादा डिस्टेंस में नहीं, एकदम पास में ही है। ठीक, मैं 5 मिनट भी ज़्यादा ही मैं बोल रहा हूँ यहाँ से। और क्वेश्चंस था कि मैं कितना पे करता हूँ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी। तो ऑन एन एवरेज मेरा 500 to 600 मेरा आता है इन समर, लेकिन क्योंकि समर में मैं एसी भी चलाता हूँ, फैन भी चलता है, हर एक चीज़ चलता है, तो थोड़ा बहुत तो आ ही जाता। बट विंटर में मेरा है कि अभी तो विंटर स्टार्ट हो रहा है, तो आई थिंक 200 से 300 मैक्स 200 से 300 आ सकता है प्राइस। और बात किया जाए तो पहले मेरा 10 रुपया पर यूनिट लगता था, पर नाउ अ टाइम इट इज इंक्रीज टू 12 रुपीज पर यूनिट। तो ऐसे ऑफिशियली तो 6-7 है, लेकिन हॉस्टल वाले चार्ज करते हैं ये बोल के कि लिफ्ट का खर्चा, आउटर इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब का खर्चा, ये सारे इंक्लूड हैं इसी में, तो इसलिए ये लोग इतना ज़्यादा खर्चा करते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा। बट क्या कर सकते हैं यार। उसके बाद से और मैसेज से आप लोग चाहोगे पूरे हॉस्टल का मैथ्स का ब्लॉग, तो आप लोग कमेंट करना, उसके अलावा बना दूंगा मैं मैथ्स का भी ब्लॉग। और आफ्टर दैट अगर कोई भी क्वेश्चंस होगा आपके पास तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं उसको कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चंस को रिप्लाई करूं, या कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो मैं उसको नेक्स्ट वीडियोस में कोशिश करूंगा कि मेंशन कर पाऊं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए मस्त सा न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ।